हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी के जो भी लॉज हैं तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप हर एक चीज़ जियोलॉजी में लीजिए, लाइक आप अगर बात करते हो स्टाटीग्राफी का, तो स्टाटीग्राफी पढ़ने के लिए भी स्टाटीग्राफी का कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं, कुछ उसके लॉ रहते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। लाइक दैट, अगर आप क्रिस्टलोग्राफी भी पढ़ते हो, क्रिस्टलोग्राफी के भी कुछ वहाँ पर क्या लॉज हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है, तो वो सब भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए फिर वन बाय वन हर एक लॉ को देखें। क्रिस्टलोग्राफी में कुछ लॉ है, वो लॉ किसके अकॉर्डिंग है, वो सब भी देखेंगे, और हर एक चीज़ अबाउट लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, थ्रो स्टडीज ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स। ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्म जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, क्रिस्टल का आपने अभी पढ़ लिया होगा। अगर प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म पहले से ही पता है तो ऑब्वियसली आप वो नहीं भी देखेंगे, तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली आके देख सकते हैं, मतलब डायरेक्टली लॉज भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फॉर्म क्लियर है, ठीक है, फॉर्म वाला पार्ट अगर आपका क्लियर है। थ्रू द स्टडीज ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म हमने क्रिस्टल का एक्सटर्नल फॉर्म्स पढ़ा एंड एंगुलर रिलेशनशिप, और उसमें हमने कुछ एंगुलर रिलेशनशिप भी देखा, लाइक इफ़ यू नो इंटरफेशियल एंगल हमने देखा, जो भी देखा, तो वहाँ पर कुछ एंगुलर रिलेशनशिप भी था बिटवीन द क्रिस्टल फेसेस। और वो एंगुलर रिलेशनशिप किसके अंदर था, क्रिस्टल फेस के अंदर था, या फिर वी कैन से दिस इज योर इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, अगर आप एलिमेंट के बारे में पता हो आपको क्रिस्टल के एलिमेंट के अंदर, तो वहाँ पर बहुत चीज़ थे, इंटरफेशियल एंगल, फेस, एज, सॉलिड एंगल, ये सब चीज़ वन बाई वन थे। तो हाँ, ये जो हम लॉ को मतलब क्या डिराइव कर रहे हैं, लॉ को किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, पहला तो आपका हमने जो भी पढ़ा एक्सटर्नल फॉर्म क्रिस्टल का और उसका एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म्स, तो इसको हम पढ़ने के बाद सम फंडामेंटल लॉज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, वो सब देखने के बाद वो सबको मतलब क्या कोरिलेट करके कुछ क्रिस्टलोग्राफी का फंडामेंटल लॉज एस्टैब्लिश हुए, क्या क्या हुए, व्हिच गवर्न द होल क्रिस्टलोग्राफी, और उसी के अकॉर्डिंग होल जितना भी क्रिस्टलोग्राफी पढ़िए, जितना भी क्रिस्टलोग्राफी के अंदर जाइए, हर एक लॉ के द्वारा ही वो क्रिस्टलोग्राफी को फिर आगे जाके एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो ये लॉ किसके अकॉर्डिंग बना, एक्सटर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग, और इंटरफेशियल एंगल यू कैन से एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिस्टल फेसेस। ठीक है, और उसी को ही आप बोल रहे हो इंटरफेशियल एंगल, दो एडजेसेंट फेस के बीच में जो भी एंगल बनता है दैट इज नोन एज योर इंटरफेशियल एंगल। तो हाँ, इंटरफेशियल एंगल एंड एक्सटर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने क्रिस्टलोग्राफी को कुछ समझा, और समझने के द्वारा कुछ फंडामेंटल लॉज एस्टैब्लिश किए, और उसी लॉ के अकॉर्डिंग पूरा जितना भी सारा क्रिस्टलोग्राफी है वन बाई वन फिर आगे उसके ऊपर मतलब नया नया कॉन्सेप्ट आते गया। ठीक है, और क्रिस्टलोग्राफी आगे जितना भी पढ़ी वहाँ उस इस जितना भी लॉ लिख लेगा, ये जो लॉ आज हम देखेंगे आगे आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो दे आर आर मतलब दीज आर आज फॉलो। ठीक है, वो जो फॉर्म्स है क्या क्या है देखते हैं टोटल हमारे पास, सॉरी वो जो लॉज है क्या क्या है देखते हैं, टोटल हमारे पास पांच लॉ है। ठीक है, क्या क्या है, लॉज ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, पहला लॉ क्या है, लॉज ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ये है। सेकेंड लॉ क्या है, अब इंडिविजुअल लॉ को भी हम देखेंगे, मतलब इंडिविजुअल लॉ को मतलब हर एक लॉ के लिए अच्छे से समझने के लिए हर एक लॉ पे अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे और हर एक लॉ को अच्छे से पूरा समझेंगे, क्योंकि ये लॉ अगर समझ गए तो क्रिस्टलोग्राफी फिर आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, देन यू हैव लॉज ऑफ रेशनल इंडिसेस। ठीक है, अब ये रेशनल इंडिसेस क्या है वो भी देखेंगे, तो ये है सेकेंड लॉ। नेक्स्ट यू हैव लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, उसके बाद आपके पास क्या है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में क्या होता है ना, क्रिस्टलोग्राफी जो भी है हमारा, तो हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो हम क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं, क्रिस्टलोग्राफी पढ़ने के लिए क्रिस्टल सिस्टम जानना जरूरी है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहता है। अभी एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस रहता है, आगे वो भी हम देखेंगे। तो हाँ, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक लॉ बना लिया। अगेन वी हैव लॉज ऑफ एक्सियल रेशियो। ठीक है, एक्सियल रेशियो का भी आपके पास एक लॉ है, और एक लॉ है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का अकॉर्डिंग भी एक लॉ बना गया बना। ठीक है, तो ये टोटल ये फाइव लॉ है जो कि आगे चल के क्रिस्टलोग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं लॉ के बारे में, फिर अपकमिंग वीडियो में हम इंडिविजुअल लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हाँ, क्विक ओवरव्यू में यही हम देखेंगे कि हम जब क्रिस्टलोग्राफी को मतलब पढ़ते गए, फॉर्म देखते गए, या फिर उसका एंगुलर रिलेशनशिप देखते गए, हमें पता क्या चला, वो दोनों को हम कोरिलेट करके कुछ फंडामेंटल लॉ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो किया गया, और वही लॉज के अकॉर्डिंग फिर हॉल जितना भी क्रिस्टलोग्राफी है, हॉल क्रिस्टलोग्राफी या फिर जितना भी क्रिस्टलोग्राफी आप पढ़ रहे हो बीएससी के बेसिस पे, 12 के बेसिस पे, या फिर कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जो भी क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे हो, तो वो क्रिस्टलोग्राफी हर एक चीज़ क्रिस्टलोग्राफी किसके ऊपर बेस रहेगा, यही जो लॉज निकले इसके ऊपर बेस है। ठीक है, अब ये लॉज क्या है, पांच लॉ निकले, पांच लॉ में से पहला लॉ है लॉज ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, इंटरफेशियल एंगल का एक लॉ निकला, अब ये क्या है आगे हम देखेंगे, लॉज ऑफ रेशनल इंडिसेस। ठीक है, रेशनल इंडिसेस का लॉ निकला, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का लॉ निकला,
एक्सेल रेशियो के ऊपर भी लॉ लिख ले, ठीक है, कॉन्सिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री के ऊपर भी कुछ लॉ लिख ले, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।